शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज मुंबई महानगर में एक भयंकर बम विस्फोट में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। ये विस्फोट दोपहर 4:40 पर सर गंगाराम पार्क में हुआ। उधर नाजायज हथियार और ड्रग माफिया के सरगना जगत जोगिया ने इस बॉम्ब ब्लास्ट का जिम्मा लिया है। पिछले साल पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से मिलकर मुल्क में फैले हुए जगत जोगिया गिरोह का सफाया किया था। हालांकि जगत जोगिया मुल्क से फरार होकर विदेशी मुल्क में छिप गया है, लेकिन उसके चार खास आदमी आज हमारी पुलिस की हिरासत में हैं, जिनकी रिहाई के लिए जगत जोगिया लगातार भारत सरकार को धमकियां देकर मुल्क में आतंक फैला रहा है। हमारे एक संवाददाता को फोन करके जगत जोगिया ने फिर से अपनी धमकी दोहराई। नमूना था ये तो सिर्फ, अगर मेरे आदमियों को रिहा नहीं किया गया तो पूरे हिंदुस्तान में इतना आतंकवाद फैला दूंगा कि सारा मुल्क जलकर राख हो जाएगा। इधर मौका वारदात पर आज देर रात तक राहत कार्य चलता रहा। सरकार ने ये केस ACP जय सूर्यवंशी को सौंपा है। ACP सूर्यवंशी, आप देख रहे हैं इतना भयानक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और इस केस के लिए आखिर क्या कार्रवाई की गई है अभी तक? हादसे को 4 घंटे भी नहीं हुए और हमने जगत जोगिया के खास आदमी राजू खत्री को हमारे गिरफ्त में ले लिया है, जिसके जरिए वो विलायत में बैठकर हमारे हिंदुस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट करवा रहा है। 4 घंटों के अंदर हमने ये केस सॉल्व कर दिया। वैसे मैं अपने भारतीय जनता से कहना चाहूंगा कि हमारे पुलिस फोर्स पर भरोसा करें और आइंदा कभी भी ऐसे दंगे फसाद हो तो इस कॉन्फिडेंस में रहे कि हम उन्हें पकड़ लेंगे। और एक बात और, धीरे से काम ले, ओके? ए साहब, चारों तरफ लाशें बिछी है और तू धीरज धरने को कर रहा है। अरे तेरी मौत से तेरी माँ धीरज धर सकेगी? अरे तबाही होने से पहले क्यों नहीं पकड़ा उस जालिम को? इस आग में मेरा जवान बेटा और बहू स्वाह हो गए, मैं क्या करूं? अब क्या आसरा है हम बूढ़े और हमारे अपाहिज पोती के पास? चूल्हा कैसे जलेगा, रोटी कहाँ से आएगी? भूख के मारे रोज रोज मरने से तो अच्छा है कि तुम पुलिस वाले हमें खड़ा करके बम से उड़ा दो। बड़ी कृपा होगी आपकी। अरे क्यों नहीं पकड़ते वो जगत जोगिया को? माफ कर दीजिए साहब, इसे माफ कर दीजिए। मेरी पत्नी जवान बेटे की मौत से बौखला गई है। 2 घंटे से
लाशों के ढेर में हमारे जवान बेटे बहू और इसके माँ बाप की लाश तलाश रही है। बेटा, लाशों के टुकड़े टुकड़े हो गए, हाथ की घड़ी, चाबियों के गुच्छे, उंगली के अंगूठियों से शनाख्त हो रही है। मैं आपको दोषी नहीं मानता। हम सब जगह जोगिया को जानते हैं, वो जब चाहे किसी की भी मौत बन सकता है। साहेब, हम गरीब हैं ना, और कुछ तो नहीं, सिर्फ आशीर्वाद दे सकते हैं। बेटा, कोशिश करो जगत जोगिया का ये आतंक खत्म हो जाए। बेटा, इनके पांव छुओ, अब यही तुम्हारे माए बाप हैं। उनका क्या करें सर? Rest in peace. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. मिनिस्टर साहब ने खुद पर्सनली मुझे फोन किया और स्पेशल टास्क फोर्स के ऑफिसर्स की कार्य कुशलता पर खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा कि पूरे देश को इन ऑफिसर्स पर गर्व है और पिछली बार की तरह इस बार भी मरने वालों के परिवारों को 50,000 रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 25,000 रुपये देने की घोषणा की है। सूर्यवंशी, ये मरने वाले 150 लोगों की लिस्ट मिनिस्ट्री तक पहुंचा देना। लेकिन मरने वालों की जो आप गिनती बता रहे हैं वो गलत है सर। गलत? 150 लोग मरे हैं? 150 लोग बम ब्लास्ट में मरे हैं, लेकिन बम ब्लास्ट की वजह से हजारों लोगों की जाने गई सर। What do you mean हजारों लोग? मरने वालों के आश्रय जो जी रहे थे उनकी भी तो मौत हुई है ना सर। क्या किया हमने? हर बार की तरह हादसे के बाद लाशें गिनी, क्लर्क की तरह लिस्ट बनाया, असली मुजरिम के किसी प्यादे को पकड़कर जेल में डाल दिया और कह दिया कि केस इज क्लोज्ड। मैं पूछता हूं सर, हमने यह हादसा होने क्यों दिया? वाई सर, वाई? सूर्यवंशी, मुझे बोलने दीजिए सर, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। इन सब हादसों के पीछे जगत जोगिया का हाथ है। यहां पुलिस वाले ही नहीं बल्कि सब जानते हैं। आज पूरा देश कह रहा है कि जगत जोगिया को खत्म करो। लेट्स डू इट सर। अगर ऐसा कर सकते तो हम जरूर करते। हम सब जानते हैं कि जगत जोगिया हिंदुस्तान से फरार होकर बाहर किसी मुल्क में छुपा बैठा है। उसकी गिरफ्तारी नामुमकिन है। आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं खुद जाकर उसे खत्म करूंगा सर। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी होगा। गैर कानूनी? सर, कानून ज्यादा जरूरी है या हमारा मुल्क? आज लोग मर रहे हैं, कल हमारा मुल्क मर जाएगा और हम यहाँ चाय बिस्किट खाते लिस्ट में लिखेंगे शिनाख्त हो गई, जो मरा वो हिंदुस्तान था। आई एम सॉरी, हमारे कानून के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है। है, एक रास्ता है।
मैं एक ऐसे हिंदुस्तानी को जगत जोगिया की मौत बनाकर भेजना चाहता हूँ सर, जिस पर कल के बाद हमारा कोई कानून लागू नहीं होगा। कल के बाद कोई कानून लागू नहीं होगा? तुम किसकी बात कर रहे हो? इस क्रिमिनल की एक अजीब और गरीब केस हिस्ट्री है सर। 13 साल की उम्र में पहला मर्डर, वजह अनाथालय से छुटकारा पाना। पकड़ा जाता है, रिमांड होम में डाल दिया जाता है। दूसरा मर्डर 16 साल की उम्र में, रिमांड होम से फरार होने के बाद इस सरफिरे लड़के के तेवर अंडरवर्ल्ड की नजरों में आ जाते हैं और ये एक गिरोह में शामिल कर लिया जाता है। इस गिरोह के साथ मिलकर वो 5 और मर्डर्स करता है, यानी 23 साल की उम्र तक ये 7 खून कर चुका था। धीरे धीरे इसकी चर्चा और दहशत अंडरवर्ल्ड और पुलिस डिपार्टमेंट में फैलने लगती है, लेकिन उसका 8वां मर्डर केस उसे अंडरवर्ल्ड में नामचीन बना देता है। 8वां मर्डर? सर याद है आपको बॉयकला लॉकअप मर्डर? इसके गैंग को एक पुलिस अफसर के बच्चे को खत्म करने का काम दिया गया, लेकिन इसने ऐलान किया कि कोई भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर इसके गैंग के एक आदमी रघु ने पैसे के लालच में आकर बच्चे पर हमला किया और इससे बचने के लिए बाइकला पुलिस स्टेशन के लॉकअप में जाकर पनाह ले ली। लेकिन इसने दिन दहाड़े बाइकला पुलिस स्टेशन में घुसकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से रघु की हत्या कर दी। बड़ी आसानी से फरार हो गया। ये बात उसके गिरोह को जरा भी पसंद नहीं आती। वो साजिश करके उसे गिरफ्तार करवा देते हैं। कौन है ये आदमी? जीत बलराज। पिछले 2 साल से ये नासिक जेल में है। कल उसे फांसी होने वाली है, यानी कल हर सरकारी रिकॉर्ड से इसका नाम मिट जाएगा। दुनिया और कानून के नजरों से छिपाकर उसे अपना कारतूस बनाकर हम जगत जोगिया को खत्म कर सकते हैं सर। जिसे ना जिंदगी से प्यार है ना मौत का डर। ये आज हिरासत में तो है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी पुलिस वालों को बहुत भारी पड़ी। इसकी सजा एक ही थी, मौत। इसे कल फांसी से बचा लेना चाहिए सर। सरकार इसकी इजाजत कभी नहीं देगी। सरकार से छुपकर देश के खातिर हमें यह काम करना ही होगा सर। हम दोनों के अलावा इस मिशन के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। जानते हो इसमें कितना बड़ा रिस्क है सर। हमें ये रिस्क उठा लेना चाहिए इंसानियत के लिए। लेकिन जीत बलराज ये काम करने के लिए तैयार क्यों होगा? सर हम उससे वादा करेंगे कि मिशन पूरा होते ही हम उसे आजाद कर देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? एक तरफ तो मिशन को गुप्त रखने की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ जीत बलराज को आजाद करने का वादा करोगे? सर मैं वादा करने को कह रहा हूं, वादा निभाने को नहीं। मिशन खत्म होते ही मैं जीत बलराज को खुद अपने हाथों से मार दूंगा। थैंक यू सर, थैंक्स। दुनिया के नजरों में जीत बलराज को फांसी लग चुकी है, पर मैंने और मेरे डिपार्टमेंट ने तुझे फांसी लगने के बाद भी मरने नहीं दिया। चले देख। कौन हो तुम? जय।
जय सूर्यवंशी, स्पेशल टास्क फोर्स। मुझे जिंदा रखने की बजाय तेरी शक्ल पसंद आ गई, या तुझ पर रहम आ गया, या तू कोई मेरा सगे वाला है, ऐसी कोई बात नहीं। तो हम तुझे जीने का एक और मौका दे सकते हैं, अगर तू हमारे बताए हुए रास्ते पर चला तो। क्यों, क्या देशभक्ति के लिए पुलिस वाले कम पड़ गए थे क्या, कि तुझे मुझ जैसे आदमी की जरूरत पड़ गई? हाँ, कम नहीं पड़ गए, मगर ज्यादा सयाने बन गए। कानून जिन मुजरिमों को नहीं मार सकता, उन्हें हम तुझसे मरवाएंगे, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ना तो मुझे तेरी शक्ल पसंद है, और ना तू कोई मेरा सगे वाला है, तो मैं तेरे ये काम क्यों करने लगा? हाँ, जिंदा रहने के लिए। अगर हां कहेगा तो तुझे नई जिंदगी मिलेगी और नया नाम, अगर ना कहेगा तो तुझे मिलेगी मौत, वो मौत जिसकी खबर छप चुकी है। सोच ले, मैं आ रहा हूं। सर, वो राजू खत्री तो मेरा लंबा प्रोग्राम बना रहा है, बोलता बाहर निकलते रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देगा, फोटो एड्रेस मांग रहा है मेरा। जगह जोगिया के बारे में कुछ बताया उसने? ओ, कुछ नहीं बोलता है, लेकिन अखरता बहुत है साहब। अखरता है? अखरता है। तेरे को मालूम है इंसान कब अकड़ता है? मरने के कुछ देर बाद। वैसे भी मैंने तेरे क्रियाक्रम का बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है, वो देख। तेरे को आखिरी मौका देता हूं, बाइज्जत बता जगत जोगिया कहां है और उसका अगला प्लान क्या है, नहीं तो वो 3x6 की खोली में जिंदा काट दूंगा तेरे को। पिंजरे में कैद शेर को साला कुत्ता भी हूल देता है। खोल इसको। सर, ये बड़ा खोल इसको, खोल खोल जल्दी, खोल खोल बांध। सर, बांध जल्दी, बांध। अब मैं पिंजरे में बंद कुत्ता और तू आजाद शेर। जा, मार डाल मेरे को, तेरे को कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई हाथ नहीं लगा, कोई हाथ नहीं लगाना इसको। सोचता क्या, मार, 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 मार। सर, ये जिंदा है।
तो हाँ, खबर फैला दो कि राजीव खत्री जेल तोड़कर फरार हो गया है। लेकिन इसके बिना हम जगत जुगिया तक पहुंचेंगे कैसे? जीत बलराज, वो अगर तैयार नहीं हुआ तो इसी के बाजू में थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा चौड़ा खबर खोद कर उसे भी यहीं गाड़ देंगे। ओके, गाड़ दो भाई, गाड़ दो, गाड़ दो, गाड़ दो। ये लोग कौन है? यहाँ काम करते हैं। बाहर का रास्ता कहाँ है? उधर। Relax boys, relax। अपना अपना काम करो। जीत, तुम जानते हो तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। No, 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 no। Relax, relax। दरवाजा खोल वरना भेजा उड़ा दूंगा। Come on, come on out। चलो दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खोलेगा। लो, यू कांट फायर। कम ऑन, कम ऑन, गिव मी द गन। हाँ, यू कांट फायर। ये तेरा पहला सबक है। पहला खाना हमेशा खाली रखना चाहिए। हवा निकल गई ना? ये गोली तेरे गर्म खून को काफी देर तक ठंडा रखेगी। क्यों बे? हाँ, भागने की कोशिश कर रहा था? हाँ, यानी जिंदगी से प्यार हो गया? संदेशाने, तो जिंदा तभी रहेगा जब तू देश की सेवा करेगा। अब फैसला तेरे हाथ में। कम ऑन, टेक इट अवे। सकीना, हाय सकीना, सकीना इनसे मिलो। हाँ भाई, इन बालों के पीछे एक आदमी छुपा हुआ है। जीत। अच्छा, हाँ, ये वो है। हमसे तो दोस्ती का हाथ मिला चुका है। क्यों? अब तुम्हें इस पत्थर को तराश कर हीरा बनाना है। ओके? देखा? आज हर खूबसूरत चेहरा तुझे ही देख रहा है। क्यों? जलन हो रही है। पता क्यों? क्योंकि आप अपनी यारी हो चुकी है। और यारी में जलन कैसे? Thank you.
ये लड़की, नाजुक सी लड़की, जिसे देख के प्यार आए, जब दो यारों के बीच आ जाए, यारी में दरार आए, बल्ला ये लड़की, नाजुक सी लड़की, जिसे देख के प्यार आए, जब दो यारों के बीच आ जाए, यारी में दरार आए। ठंडी जिसे देख के प्यार आए, जब तो यारों के बीच आ जाए, यारी में दरार आए, बल्ला ये लड़की, नाजुक सी लड़की, जिसे देख के प्यार आए, जब तो यारों के बीच आ जाए, यारी में दरार आए। गोरी 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 चुराए दिल चोरी 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 चुराए दिल चोरी 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 चोरी। बल्ला ये लड़की, नाजुक सी लड़की, जिसे देख के प्यार आए, जब दो यारों के बीच आ जाए, यारी में दरार। बहुत मजा आया दोस्त। जानते हो, इससे पहले तू मुझे कभी पसंद नहीं आया। अच्छा, तो मेरा नया रूप पसंद आया आपको? समझने में थोड़ी गलती हो गई। ऐसा लगता है कि नया जन्म हुआ है मेरा। ये ना दोस्त, जन्मदिन का तोहफा। काम की बात सुन, तेरे पीछे ऊपर तीन आदमी है काले सूट में, उनको मारना है। देश का दुश्मन है, वो गद्दार है, उनको मार के सीधे बाथरूम में चले जाना। वहां पे खिड़की है, वहां से निकल के मुझे ऑफिस में मिलना। समझा गया? क्या बे, समझा ना, फिर लिख के दो। हाँ, Thank you.
बोला तुमने मुझसे। वहां कोई खिड़की नहीं थी। वहां खिड़की थी, मैंने चुनवा दी। तुम्हारी ताकत के बारे में सुना था, आजमा लिया। अगर मैं मर जाता तो? ना तुम मरा ना तुम भागा। हाँ, अगर भागने की कोशिश करता तो होटल के बाहर मेरे आदमी मौजूद थे, तो मैं वहीं खत्म कर देते। ताकत और वफादारी, इन दोनों इम्तिहान में तुम पास हो गए। अब मैं तुम पर अपनी बाजी खेल सकता हूं। योर पासपोर्ट, यह तुम्हारे बाकी के कागजात, ट्रेन का टिकट, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह। लंदन तो एक टूरिस्ट बन के जा रहा है। मिशन पूरा होने से पहले अगर तेरी असलियत का किसी को भी पता चल गया तो तू अंजाम जानता है मौत। ए टाइगर, एक बात का ध्यान रखना, इस आजादी में तू अय्याशी तो कर सकता है लेकिन इश्क नहीं। कोडने में याद है? कारतूस। वाह। व्हाट, तुमने इतने खतरनाक मुजरिम को आजाद करके लंदन के लिए रवाना कर दिया? सर, खबर मिली है जगत जोगिया के ग्रुप के कुछ लोग लंदन में देखे गए हैं, और अंदाजा यह है कि जगत जोगिया वहीं बैठकर अपना अगला प्लान बनाएगा। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जीत फरार नहीं होगा? तुम उस पर जरूरत से ज्यादा एतबार कर रहे हो। औरों पर एतबार करने की खामी मुझ में नहीं है सर, मैं सिर्फ एक ही इंसान पर एतबार करता हूं, अपने आप पर। और रही बात जीत बलराज की, तो अब भी मेरे कैद में है। कैद में? सर, जीत बलराज एयरपोर्ट के लाउंज से निकलकर गेट नंबर 2 से होते हुए गेट नंबर 1 की तरफ जा रहा है। वो कहीं भी हो सर, उसकी मंजिल मौत ही है। Wanting 4 samosa pack fast please. I want 4 samosa. Please give it to me fast. पहले अंग्रेजी सीखो, फिर बोलो। Thank you. Give me 4 samosas fast please. Get up, get up. Dropping things. What do you do? Hello.
ये समोसे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? समोसे को अंग्रेजी में समोसा ही कहते हैं, पर तुम अपना समोसा खरीद के उसे समोसा कहो। Why this gross order of trespassing into tentative strangers is sweet, so sophisticated, so famous, you see? वाह 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 वाह, क्या अंग्रेजी बोली आपने? मुझे तो सिर्फ समोसा और यूसी समझ में आया। देखे ना, ऐसी समोसा खाते खाते मुझे ये वाली अंग्रेजी सिखा दीजिए ना। तालीम किसी दूसरे का समोसा नहीं, जो उठाया और खा लिया। तुम शर्म नहीं देते किसी दूसरे का समोसा खाते हुए? अदर समोसा ईटिंग, नो। ये शर्म को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उसका कोई वर्ड नहीं होता। क्यों, अंग्रेजों को शर्म नहीं आती क्या? जी नहीं, क्योंकि वो दूसरों का समोसा नहीं खाते, यू सी। टू योर राइट इन द सेंटर प्लीज। थैंक यू। इट्स ओके। ये तो क्या किताब मिलनी, तेरे समोसे तो इतने, यानी कि वो उसके समोसे थे। बड़ी मिस्टेक की तूने मिलनी, बड़ी मिस्टेक कितने। Third degree of mission standing due to exportation of the luggage of the number of the bag of the non-stop flight to the airport the passengers coming cause the mission standing of the samosa, you see? Samosa, you see? सिर्फ इतना ही समझ आया। ओह, बाकी समझ भी नहीं आया। आपकी अंग्रेजी थोड़ी, हाँ? देखिए, जब आप ये अच्छी वाली अंग्रेजी मुझे सिखा देंगी ना, तब समझ जाऊंगा। तब तक आप हिंदी में समझाइए ना। हिंदी में? ओके। दरअसल ये मेरे समोसे हैं और आपके समोसे मिस्टेक से मैं खा गई थी। बाकी तो क्या, वो मिस्टेक एक्चुअली मैं डर गई थी। डर? किस बात का डर? दरअसल हवाई जहाज में मेरा फर्स्ट टाइम। जानती हो, डर लगे तो क्या करना चाहिए? क्या? समोसे खाने चाहिए। अच्छा। आपका नाम क्या है? मनप्रीत कौर। लंदन में मिनी हो जाएगा, यू सी। और आपका? मेरा नाम राजा। आप लंदन क्यों जा रहे हैं? वो मेरी अंग्रेजी बहुत बुरी है ना, सीखने जा रहा हूँ। वैसे आपकी अंग्रेजी इतनी अच्छी है। थैंक यू। आप क्यों जा रही हैं? मैं लुधियाना से लंदन अपने मामा जी के पास जा रही हूँ। उन्होंने मेरी शादी के लिए एक लड़का ढूंढ के रखा है। क्यों? आपको नहीं लगता मेरी शादी लंदन में हो सकती है? I'm BA in English from Punjab University. वैसे आपकी शादी हो चुकी है? मेरी? नहीं। क्यों? वो क्या है कि मेरे मामा लंदन में नहीं रहते ना। You see, आपकी वजह से सफर अच्छा कट गया। लेकिन बुरा ये हुआ कि बहुत जल्द कट गया ना। जी? मैं आपकी शादी की मुबारकबाद अभी से देना चाहता हूँ। हाँ, आप अपना पता बता दे मुझे, ताकि मैं अपनी शादी का कार्ड आपको भेज सकूँ।
मेरा यहाँ कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन मैं जहाँ भी रहूंगा मेरी दुआएं आपके साथ रहेंगी। तो फिर ठीक है, मैं चलती हूँ, वरना मामा जी मुझे ढूंढते हुए इंडिया पहुंच जाएंगे। बाय। कार्तूस। यस, कम विद मी, कम ऑन। ये फ्लैट की चाबी, गन और मोबाइल फोन, सूर्यवंशी की अगले ऑर्डर्स आपको इस पे मिल जाएंगे। आदमी हो तुम? अपने पिताजी के जी, पिताजी 20 साल पहले लंदन में सेटल हो गए थे, तो हम भी उनके साथ ही। किसने भेजा है तुम्हें? मेरी धर्मपत्नी ने जी, वो बोली पास में को हिंदुस्तानी रहना है, उसका हालचाल पूछ के आओ, उसका स्वागत करो। अब काम क्या करते हो? अपनी लॉन्ड्री है जी, लोगों के कपड़े धोने का बिजनेस है जी। लेकिन तुम्हारे कपड़े तो मेले हैं। ये तो मैं जल्दी जल्दी में किसी कस्टमर के पहन के आ गया था। मैं मजाक कर रहा था। मुझे तो खुद मजाक बड़ा पसंद है जी। जब मैं हिंदुस्तान से आया था ना, ये तो छोटी बंदूक है, मैं एक लंबी बंदूक लेके आया था। मैंने सोचा था वहां तित्तर मारेंगे, बटेर मारेंगे, शिकार करेंगे, लेकिन यहाँ आके पता चला कि सारा मीट मुर्गा तो पैकेटों में मिलता है, बंदूक काम ही नहीं आई। शाम को क्या कर रहे यार जी? वो कुछ नहीं ना, शाम को रोटी छोटी हमारे साथ खाओगे आप? जी आज नहीं, फिर कभी। आज भी और फिर किसी दिन भी? परमिंदर है ना अपनी? परमिंदर कौन? यार मेरी बीवी कमाल करते हो। हाँ। यार मेरी बीवी क्या चिकन बनाती है, वो चिकन बनाएगी। बुआ जी दाल बनाएंगे, माता जी बुड़ता, पिता जी सलाद काटेंगे, बच्चे आपको गाना सुनाएंगे। कितने बजे आ रहे हो जी? वो अब मैं... 7 बजे? 8 बजे भी ठीक है, 7 बजे भी अपना घर है, 8 बजे भी अपना घर है। आहा, वेलकम जी आयानु, ये हुई ना हिंदुस्तानियों वाली बात। जी जी कौन सी बात? यही कि 7 बजे का टाइम देके आप 9 बजे आए हो। अरे आप 9 बजे ही नहीं, 10 बजे भी आते, हम तब भी आपका इंतजार करते। बिल्कुल जी, इंतजार का तो अपना ही मजा है जी। आप तो फिर भी टाइम देके आ गए हो, जब मैं हिंदुस्तान में था तो कई बार टाइम देके जाता ही नहीं था। आइए जी बैठिए। आइए और सुनाइए, हिंदुस्तान की क्या खबर है? सब ठीक है। ठीक है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना है अक्षर रवीना में आपस में बड़ी टेंशन चल रही है। ओ, भगवान, पहले ने कोई चाय ठंडा तो पूछ ले। वो तो मैं साइड बाय साइड पूछती रहूंगी, पहले आप मुझे भाई साहब ये बताइए, करिश्मा की शादी की बात चल रही है ना? वो एक्चुअली मुझे फिल्मों का इतना शौक नहीं। मुझे खुद शौक नहीं है जी, मैं तो काफी देर तक सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी को भाई बहन समझता रहा। मैंने सोचा कि एक फिल्म के एंड में वो राखी बांधेंगे, बाद में पता चला कि उनकी शादी होगी। अच्छा तू जाके किचन संभाल, मैं बाकियों को बुला के लाता हूँ। फील एट होम भाई साहब, इसे जलंधर ही समझिए आप। कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं करनी, आप अपने घर आए हो भाई। चल भाई। आप यहाँ? हाँ, मैं तो यूसी वो। अच्छा, तो आपको भी वो लॉन्ड्री वाले भाई साहब ने इनवाइट किया है? हाँ? नहीं जी, वो तो मेरे मामा है, मैं तो यहाँ रहती हूँ यूसी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपका पड़ोसी हूँ। आई सी, आप ही वो पड़ोसी है। चलो अच्छा हुआ, सलाह भी हो जाएगी।
सलाह, आज मुझे कुछ लड़के वाले देखने आ रहे हैं, सी मुझे तो नजर झुका के रखनी पड़ेगी, आप ही इशारा करके मुझे बता दीजिएगा मुझे हाँ कहना चाहिए ना। आइए जी, आइए 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 आइए, पिताजी इधर इधर हैं, वो इनसे मिलिए जी, हमारे पिताजी सरदार संतोष सिंह हॉकी के एक्स कोच रहे हैं। इनकी खासियत यह है कि जिस जिस टीम को इन्होंने कोचिंग दिया आज तक कभी जीती नहीं। ये हमारे माताजी, सुना जब से इनकी इनके साथ शादी हुई है इनका अपना दिमाग चला ही नहीं। और ये है हमारे प्यारे प्यारे फुआ जी, इनके बारे में कुछ भी कह लो ये बुरा नहीं मानती क्योंकि इन्हें सुनाई नहीं देता। ये हमारे सारे वो पंजाबी दोस्त हैं जिन्होंने इस साउथ हॉल को मिनी पंजाब बना दिया। बल्ले बल्ले है ना किया जी राजा, बुआ राजा। अरे खाजा वाजा सब कुछ होगा, काम की करता है बुआ। ये वो लड़का नहीं है, ये तो अपने पड़ोसी है। अरे पड़ोसी है तो चंगा है, मिनी का ससुराल पड़ोस में ही होगा। बुआ मिनी को देखने दूसरा लड़का आने वाला है। अरे ये जब आ गया है तो दूसरे की क्या जरूरत है, संतोष का कैंसिल कर दो। कर दो कैंसिल, वो जो आज की टिकट ना कैंसिल कर दो। कमाल है, वो मेरे ख्याल आ गए। तू मिनी को तैयार कर, मैं जरा दरवाजे पे देखता हूँ। खुराना साहब, वेलकम सर, हाय। आइए जी आइए, आइए प्लीज, कम इन कम इन। आज तो चीटी के घर भगवान आ गए। बापू जी मेहमान आ गए जी अपने। बैठिए, यहाँ तो पूरा पंजाब वेट कर रहा है आपका। मिनी ये ले, अगर वो तुझे पूछे ना कि किसने बनाया, तू कह देना मैंने बनाया है। अगर पूछे कैसे बनाया तो तू जा ना, जा तो सही, जा। रोशनी का क्या है, अगर फूट मार रहा हो तो कोई संभाल सकता है। अदरवाइज देखो ना, वो जो जलंधर वाला मकान था, मुंडा की सजा है वो। ये मनप्रीत मिनी, मिनी हमारी, हाय, ये हम आई एम जॉली, वो इंडिया से आई है ना, नेवर माइंड। वेल दर्शना, और कुक हां जी, अमी खाना वाना बना लेती है, गाना चंगा गान दिए। तो डैड इससे गाना ही गवा लेते हैं। Oh,
के घर में क्या कर रहा था रे तू? बड़ी लंबी गर्दन है तेरी, हाँ? इंडिया में बैठा है और लंदन में झांक रहा है। तेरी परछाई पर मैंने अपनी निगरानी लगाकर भेजा था। तू मेरी आंखों से ना छुप सकता है ना छुपने की कोशिश करना। अब काम पे लग जा, जिस काम के लिए तुझे वहां भेजा गया है। तेरा पहला टारगेट है जैक, वो जगत जोगिया का आदमी है, उसे तो जगत जोगिया का पता निकाल और फिर उसे खत्म कर दे। इस वक्त वो हिल्टन क्लब में है। Kill him and call me back. Get out. Hey, what's your problem? तकलीफ क्या है? मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मेरे सारे देश को तकलीफ है, तुम जैसे लोगों से। अब तू बहुत तकलीफ में आने वाला है। बता, तेरे ग्रुप के कौन कौन से लोग यहाँ मौजूद है? बता बताता हूँ, बाबा बताता हूँ। यहाँ तेरे और कितने लोग मौजूद हैं? बोल। सोमराज, छोटा पठान, मुन्ना नेपाली। क्यों आया यहाँ? जगत जोगिया ने मीटिंग बुलाई। कब? परसों। कहाँ? कहाँ? बेटा। नहीं, नहीं, नहीं। शोभराज, छोटा पठान और मुन्ना नेपाली लंदन में है। परसों जगत जोगिया ने कोई मीटिंग बुलाई है। कहां ये बताने से पहले जैक ने साइनाइड की गोली खाकर सुसाइड कर लिया। सकीना, सर, तुम लंदन जाने की तैयारी करो फौरन। यस सर। ऑफिसर, सर, इन तीनों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास वो लेकर अभी आओ। सर, शोभराज का छोटा भाई देवराज राणा चौक से अपने धंधे ऑपरेट कर रहा है। राणा चौक। चले गए थे मुझे अकेला छोड़ के? अरे
सब तो थे ना। लेकिन मुझे तो सिर्फ तुम्हारा फैसला सुनना था। कहा था ना लड़का देख के बता देना, अच्छा लगा कि पूरा। अरे मिनी मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना पड़ा। अयो रब्बा, मेरी शादी से भी जरूरी काम? अगर मेरी शादी किसी गलत लड़की के साथ होगी तो क्या होगा मेरा? यूसी? बाप रे, I'm sorry, यूसी। अच्छा ये बताओ लड़का कैसा लगा? जानते हो उस जॉली ने मामा जी से कहा उसे मुझसे अकेले में बात करना है, तो मुझे उसके साथ अकेले में बैठना पड़ा। अकेले में बैठे ही उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दिया उसने। अगर तुम्हारे मामा मुझे तगड़ा पैसा देने के लिए तैयार हैं, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, वरना नहीं। आपका मतलब? यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों की, पैसों की बात तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ती, तभी तुम गरीब के गरीब ही रहोगे। यू ब्लडी इंडियन। बाप रे, अरे तुम तो बड़ी डेंजरस लड़की हो। मेरे वतन को लेके, मेरे गांव, मेरे मोहल्ले, मेरे अपनों को लेके कोई फिजूल की बात करे तो मैं थोड़ी डेंजरस बन जाती हूँ, खून उबलने लगता है मेरा। यू सी ब्लड बॉइलिंग स्टार्ट्स, आई बिकमिंग कश्मीरी एप्पल लाइक रेड, माइंड बिकमिंग सूरदास, नॉट थिंकिंग लेफ्ट राइट अप डाउन बैक फ्रंट, वतन के आगे मेरे को कुछ नहीं सूखता। क्यों, ठीक किया ना? नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। जानते हो उसे थप्पड़ मारते हुए मुझे ऐसा लगा था तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मुझे क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि घर में किसी को अच्छा नहीं लगा, सब शादी टूटने का मातम मना रहे हैं। अच्छा ये बताओ तुम्हारे मामा जी ने तुम्हें डांटा तो नहीं? वो थप्पड़ की आवाज सुनते ही तुरंत टेलीफोन डायरेक्ट लेके बैठ गए। कल मुझे किसी लड़की को देखने के लिए भेज रहे हैं यूसी। वो कह रहे थे कि उन्हें तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। मुझसे? आओ भी आओ। मैंने सोचा ये जगह तुमसे बातचीत करने के लिए बहुत अच्छी है। अपनी बातचीत हो जाएगी, रेस्टोरेंट वालों का हिसाब किताब हो जाएगा। कौन सा हिसाब किताब यार? इस रेस्टोरेंट वाले ने पिछले 3 महीने से मेरे लॉन्ड्री का बिल नहीं दिया हुआ। मैंने सोचा आज यहाँ दबा के खाना खाएंगे, सब एडजस्ट हो जाएगा। ए मिस्टर वेटर, इधर आओ भाई, 4 बिरयानी यहाँ लाओ, 8 पैक कर दो। ओके सर। खाना तो हम खा लेंगे, पहले आप वो बात तो करो ना। राजा यार प्रॉब्लम ये है कि मुझे प्रेम नारायण की बड़ी फिक्र लगी हुई है। प्रेम नारायण? अजी प्रेम नारायण वो लड़का है जो अपने मिनी से रिश्ते के मामले में अकेले में मिलना चाहता है। तो इसमें डरने की क्या बात है, मिनी बहादुर लड़की है, अकेले में मिल लेगी। और यही तो प्रॉब्लम है, अगर मिनी ने पंजाबी स्टाइल के उसके एक थप्पड़ जड़ दिया, उसके दांत आ जाएंगे बाहर और फ्यूचर हो जाएगा उसका डार्क। आप मिनी के फ्यूचर की परवाह करो ना, जॉली बेचारा तो थप्पड़ सह गया, अगर इस लड़के ने मिनी से बदतमीजी की तो फिर? अरे कोई बदतमीजी करके तो देखे, मैं तो तोड़ दूंगी हड्डियां उसकी। आप इसे फिजूल में ही साथ ले आए हो। मैं तो रेस्टोरेंट का बिल एडजस्ट करने के लिए लेके आया था। खैर कोई बात नहीं, देख तेरे रिश्ते की बात है ना, कान में चुंगल पा, कान में उंगली डाल। मामा जी डाल, प्लीज डाल 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 डाल। हाँ कान बंद, सुन तो नहीं रही। हाँ राजा देख, क्योंकि मैंने अभी तक उस लड़के को देखा नहीं है, तो मैं चाहता था कि जब ये आपस में मिले तो दूर से अगर तुम उस पर निगरानी रख सको तो। हेलो। सीधा हिल्टन होटल जा, वहां जगत जो गया, शोभराज, छोटा पठान और मुन्ना नेपाली, ये सब मौजूद है। जा और उनको खत्म कर। कैसे ये बताने के लिए सकीना तेरा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में इंतजार कर रही है। सकीना? लिखे भेजूं क्या? हाँ सुना नहीं, जो बोला वो सुन और ध्यान से काम कर। गुड लक। तुम यही ठहरो, मैं कुछ काम निपटा कर रहा था। कौन सा काम? वो कुछ लोगों से मिलना है। मैं भी चलूं? नहीं नहीं तुम यही ठहरो। ओके ओके। हेलो जीत,
हाय सकीना। वेट अ मिनट। या क्या करना है? कपड़े बदलो पहले। क्या करना है? इंतजार। गुड मॉर्निंग, रूम सर्विस, मे आई हेल्प यू सर? Could you send me a cup of coffee, a bottle of champagne, and some cereal, please? And make it quick. Very well, sir. In 5 minutes. Thank you. ये ट्रॉली ऊपर आईवी लॉन्च में लेकर जाना। बिल पर साइन लेकर वापस आना। ओके? बस क्यों, एनी प्रॉब्लम? साहब अपने प्रॉमिस के बहुत पक्के हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो इंडिया को तबाह करेंगे। प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। इंडिया तबाह। बर्बाद। फिनिश। थैंक यू। ये तो जीत बलराज है। यस सर। ऐसे क्या देख रही हो? तुम अभी अंदर से आ रहे हो ना?
अगर लौटे में देर हो जाती तो ऊपर वाले का इंसाफ हो जाता। हेलो सूर्या, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जगत जोगिया होटल में होना चाहिए था पर वो नहीं आया। फिर भी जीत ने बड़ी सफाई से ग्रुप के तीन खास आदमियों छोटा पठान, मुन्ना नेपाली और सोबराज इनका सफाया कर दिया। और एक खबर सूर्या, तुम्हारे कारतूस के बारूद में मिलावट हो रही है। What? Yes, सूर्या, जीत एक लड़की से मोहब्बत कर बैठा है। Thank you, सकीना। ये मिशन अभी इसी वक्त बंद करना होगा। क्या बात कर रहे हैं सर, हमें इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, पहली बार जगत जोगिया के तीन आदमी मारे गए हैं। जगत जोगिया तो बच गया ना, और तुम्हारा ये जीत इश्क फरमा रहा है। सूर्या, अगर जीत की हकीकत दुनिया को पता चल गई तो हमारी नौकरियां तो जाएंगी, साथ में सरकार भी सत्ते में आ जाएगी। हमारे देश का अच्छा खासा मजाक बन जाएगा अगर तुम्हारा ये जीत इश्क फरमाते फरमाते पकड़ा गया तो। नहीं सर, पकड़े जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर लंदन में जीत पर किसी ने भी शक किया तो मैं मिशन को एक तरफ करके उसे खत्म कर दूंगा। वैसे भी जोगिया की मौत के बाद वो मेरे हाथों मरने ही वाला था, मैं उसे पहले मार दूंगा। और जब तक वो जिंदा है मैं उसे मोहब्बत करने की इजाजत नहीं दूंगा। अब मैं कुछ कहूंगी तो बुरी बनूंगी, लेकिन मेरी बेटी तू यहाँ लड़के देखने आई है, ना कि लड़ाई झगड़ा करने। कभी रिश्ते भी तय हुए हैं ऐसे? तो अभी बता मैं क्या करूं मामा जी, मैंने क्या गलत किया? इस तरह अगर तूने और तीन चार लड़कों के थप्पड़ जड़ दिए ना तो किसी भी पंजाबी लड़के की लंदन में शादी नहीं होगी। हमने वहाँ तेरी माँ को जवाब नहीं देना, कितना फिकर करती है तेरा। और तू ना, तुझे वहाँ लुधियाने में कोई लड़का पसंद आता है ना यहाँ पे, तो आप ही बता मैं क्या करूँ। देख मेरी बेटे, जॉली का फोन आया था, वो सॉरी बोल रहा था, उसने अपनी गलती रियलाइज कर ली है। देख मुझे तो लड़का अच्छा लगता है, वो दोबारा मिलने को कह रहा है तो एक बार मिल ले। मिल ले? नहीं। ओहो मिनी, तुझे क्या समझती है और तेरी सच्चाई क्या है? किस कदर तू उसकी मासूमियत को धोखा दे रहा है और ऊपर से ये फरेब के उसे प्यार करता है और इकरार नहीं कर सकता। भूल जा सब कुछ जीत, और राजा बनकर मिनी को अपना ले, उसके भोलेपन को गले से लगा ले। जा जीत, इससे पहले कि मिनी किसी और के हवाले हो जाए। जा जीत, जा। ओ राजा, ओ वाह वाह, ओ बले बले, अरे आजा बड़े मौके पे आ। ओ परम, मिठाई ला, मुंह मीठा करवा भाई। किस लिए? ओ अपनी मिनी ने हाँ कर दी, उसे लड़का पसंद आ गया, कमाल हो गया। कौन सा लड़का? वो सेम, वो जॉली अपना वही, और जॉली उस दिन वाला। जॉली हाय। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सब क्लियर होगी, ऑल इट इज सब। मुबारक हो मिनी। जॉली आओ भाई, ले जाओ यार, ये मैं वाली संभालो, घुमा के लाओ। आखिर सारी उम्र तुमने जिम्मेवारी संभाली यार।
धड़कन में तू, सांसों में तू, तू सपना है या कोई साया, तुझे मैंने दिल में बसाया। शादी करने से इनकार करने के लिए क्या हुआ मिनी, क्या हुआ बोलो ना मिनी। Yeah.
मेरी मिनी को मारा? कितनी मासूम है मेरी मिनी, तूने मेरी मिनी को मारा? तूने मेरी मिनी, मेरी नानी माखा करती थी, जो जिसके भाग में होता है वो खुद ब खुद सामने आ जाता है। तो मेरे सामने थे, मेरे हर दुख को अपनाते रहे, हर सुख को सिर पर बिठाते रहे, लेकिन मैं अंधी, तुम्हें नहीं पहचान पाई। राजा, अगर अगर ये मैंने तुम्हारे लिए थी तो तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? क्यों आने दिया ऐसे लोगों के बीच जो दो चेहरे वाले जानवर है? अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और, क्यों आने दिया? बोलो मिनी, हो सकता है इस राजा के भी दो चेहरे हो। तुम राजा को जानती ही कितना हो? जानती तो मैं ऊपर वाले को भी नहीं हूँ, मगर भरोसा है, ऐसा ही भरोसा मुझे तुम पर है। मुझे इतना भरोसा है कि मैं आग बंद करके अपना प्यार तुम्हें दे सकती हूँ राजा। मैं तुम्हारा प्यार नहीं हो सकता मिनी। क्यों क्यों राजा? क्योंकि मेरे अंदर बहुत अंधेरा है मिनी, जो तुम्हारी उम्मीदों को निगल जाएगा। मिनी, मिनी मुझे प्यार नहीं करना चाहिए, मैं प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने हमेशा ऊपर वाले से तुम्हारे लिए खुशियां मांगी हैं। और आज मैं भगवान से तुम्हें मांगती हूँ, ऊपर वाले को मुझे राजा देना होगा। तुम समझती क्यों नहीं हो मिनी, मैं तुम्हारी तकलीफ तुम्हारा दुख हो जाऊंगा। मैं तुम्हारी खुशी नहीं हूं मिनी, गम हूं, तुम्हारा गम।
तुम आखिर चोर पकड़ा ही गया। चोर? हाँ, ये चोर और मैं सिपाही। अक्सर हम ये खेल खेला करते हैं और हर बार की तरह आज भी ये पकड़ा गया। क्यों? हाँ? क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम? क्या चुराया मैंने? बता दूं क्या? हाँ? दिल चुराया इसका। दिल चुराया, पकड़ा गया ना? हाँ जी, ना जी, you see? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और भाई बाप की तरह होता है, यानी मैं तेरा बाप। आप राजा के बड़े भाई हैं? जय। वैसे राजा नाम तुम्हारे लिए, मैं तो प्यार से इसे कुछ और ही पुकारता हूँ, याद है ना? मिनी तुम घर जाओ। ऐसे कैसे घर चले जाओ? तुम्हारे बड़े भाई पहली बार घर आए इसी। अरे ये क्या कर रही हो? आशीर्वाद दीजिए भाई साहब। अब मुझे ये सब कुछ नहीं आता। सीखना तो पड़ेगा ही, आप मेरे होने वाले जेठ जी हैं। चलिए बोलिए, सदा सुहागन रहो। बोलिए ना, सदा सुहागन रहो। दूधो नहाओ पूतो फलो। दूधो नहाओ पूतो फलो। मेरी नानी कहा करती थी कि जब ऊपर वाला किसी के सर के ऊपर अपना हाथ रखना चाहता है तो आप बड़ों के हाथ को अपना जरिया बनाता है। तो आपका ये हाथ मेरे लिए भगवान का हाथ हुआ। जब तक ये मेरे सर के ऊपर है, मेरा सुहाग सलामत है। और आपका ये दूसरा फर्ज बनता है कि आप मेरे मामा जी से मिलिए और मेरे और राजा की शादी की बात कीजिए। मिलना तो पड़ेगा ही, ये यहां जिन जिन से मिला है उन सब से मुझे मिलना तो पड़ेगा ही, राइट ब्रदर? कमाल है यार राजा, तूने बताया नहीं कि तुम्हारे भाई साहब आने वाले हैं। कम से कम चिकन लेग बनवाते, शमी कबाब बनवाते, अब करेले बने हुए, बेइज्जती हो गया। कैसे बताता, ना मैंने इन्हें बुलाया ना इन्होंने खबर दी। अरे पाजी, अब आप ही बताइए, अगर पुलिस मुजरिम पे रेड मारती है तो बता के थोड़ी आती है? और वैसे भी मेरा छोटा भाई अपनी आजादी का क्या फायदा उठा रहा है, वो जाने के लिए तो मुझे अचानक ही आना पड़ा। छोटा है ना, निगरानी रखनी पड़ती है। हाँ जी हाँ जी, बड़े भाई का यही तो फर्ज और प्यार होता है। उनका प्यार और फर्ज तो ठीक है, अपने घर तो करेले बने ना। खाने में क्या रखा है जी, दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। वाह, मैं इससे कितना मोहब्बत करता हूँ ये बहुत अच्छी तरह से जानता है। ये जहाँ भी हो इसके हर कदम का हिसाब किताब मेरे पास रहता है। इसकी सांस कितनी तेज चलती है उसका भी हिसाब किताब मेरे पास है, राइट ब्रदर? तुम्हारी इस मोहब्बत की पाई पाई चुका दूंगा। बिल्कुल जी, मैं तो कहता हूँ बार में क्यों करेंगे, दारू शारू मुर्गा शुर्गा इतना होगा कि भाई साहब को टुंड कर देंगे जी। लेकिन भाई साहब, मैं भी राजा से बहुत नाराज हूँ। यू सी, मैंने तो लुधियाना से लेकर लंदन तक अपनी सारी कहानी बता दी, लेकिन इन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि इनके एक बड़े भाई भी हैं। क्या इसने नहीं बताया? राजा, तूने मिनी को कुछ भी नहीं बताया? कुछ भी नहीं? कमाल है, प्यार में तो इंसान सब कुछ बता देता है, एक एक बात जैसे खुली किताब। खैर, अब फिक्र मत कर, मैं आ गया हूं ना, मैं राजा के बारे में तुझे सब कुछ बता दूंगा, धीरे धीरे सब कुछ, है ना? एवरीथिंग। क्या हो गया भाई साहब? छोटा भाई मजाक करे तो ठीक, बड़ा भाई मजाक करे तो ना। राजा? हाँ मिनी, मैं जाता हूँ, इसके गुस्से से मैं वाकिफ हूँ। अंदर क्या बकवास कर रहा था? तेरी शादी की बात कर रहा था भाई। ये भाई भाई की नौटंकी छोड़ समझा? नौटंकी छोड़ कर औकात पर आ जाऊं क्या? ए सूर्या, ये मत भूल के मैं क्या हूं समझा? देख जीत, मिनी का इतना भूत तेरे सर पर चढ़ा हुआ है तो जाओ उसको अपनी असलियत बता और भूत निकाल अपने सर से। मिनी का नाम जबान पे लाया तो जान से मार डालूंगा तुझे। क्या बात है आज, गलत डायरेक्शन में पिस्तौल? गलत या सही सब भूल जाऊंगा अगर मिनी को बीच में लाया तो। मिनी को बीच में मैंने नहीं, तूने लाया था।
आज तू यहाँ जिंदा खड़ा है, मेरी बदौलत खड़ा है। तेरी हर सांस मेरी मोहताज है। तुझे समझा कर भेजा था, बिल्कुल समझा कर भेजा था कि अय्याशी करना मगर इश्क में नहीं पड़ना। तेरा काम करने से कभी इनकार किया है मैंने? इनकार नहीं किया इसलिए तो जिंदा है अब तक। अब कान खोल कर सुन ले, ये तो टिकट ले और मिनी को लेकर कल सुबह चले जा, वहां मैं बताऊंगा किसको मारना है। मिनी मेरे साथ नहीं जाएगी। मिनी अगर तेरे साथ जाएगी तो तू शरीफ लगेगा और लोगों को तुझ पर शक नहीं होगा। मैंने कहा ना मिनी मेरे साथ नहीं जाएगी। अगर मिनी तेरे साथ नहीं गई तो मैं उसे अंदर जाकर बता दूंगा कि तेरी असलियत क्या है। जाऊं जाऊं कि टिकट ले रहा है? जाओ क्या? दुश्मन बबाना इश्क का, जिसको लगा मजनू बना उल्टा निशाना इश्क का। हो किस्सा पुराना इश्क का, दुश्मन बबाना इश्क का, जिसको लगा मजनू बना उल्टा निशाना इश्क का। नींदे चुरा ले इश्क इश्क, रातें जगा ले इश्क इश्क, जी को जला ले इश्क इश्क, पागल बना दे इश्क इश्क। जितने भी लाया दुख शिकवा कभी न कर, चुप ही रहे दीवाने। इश्क का रुतबा इश्क ही जाने, इश्क का रुतबा इश्क ही जाने। इस दुनिया का खेल रचाया इश्क की खातिर आप खुदा ने, इश्क का रुतबा इश्क ही जाने, इश्क का रुतबा इश्क ही जाने। मेरी बड़ी 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 ब
जब तक ऑर्डर नहीं आता तब तक क्या करें? ऐसे ही बातें करें। हेलो, क्या चल रहा है? ए, सुन रहा है कि नहीं? तू सीधे उठकर बाथरूम में जा, टेबल के नीचे हेडफोन है, निकालो उसे, बाकी बात वहीं पर करूंगा। तेरी खामोशी नहीं सुननी मुझे, चलो उठकर बाथरूम में जा। ओके। चले मजनू, उठ। किसका फोन था? रूम सर्विस का, कह रहा था कि ऑर्डर आने में टाइम लगेगा, मैं ना के आता हूं। हाँ बोलो। कैबिनेट खोल। सेकंड ड्रॉवर। कुछ मिला? हाँ राजा, कल हम चलकर भाई साहब के लिए तोहफा खरीदेंगे। कुछ मिला क्या राजा? राजा आप धंधे पे ध्यान दे, जब से मिनी नाम का रोग पाल लिया है मुझे तेरे पीछे पीछे आना पड़ता है। सामने वाली खिड़की खोल। होटल ब्लास्ट के बाद जगत चौकिया कहीं छुप गया है, अब उसके भाई योगेश को मार के जगत चौकिया को बिल से बाहर निकालना है। वैसे भाई साहब तो खुश है ना हमारी शादी से? दो मिनट बाद सामने वाली सीढ़ियों से योगेश उतरेगा। ये नीचे देख, ये जो मर्सिडीज आई है योगेश की है, वो इसी कार की तरफ आएगा। सीढ़ियों से उतरकर कार तक पहुंचने से पहले उसे खत्म करना। देख सीढ़ी पे देख, वो ब्राउन सूट वाला आदमी, यही जगह चौके का भाई योगेश है। राजा उनसे फोन करके कहो ना कि अब जल्दी से हमारी शादी की डेट फिक्स कर ही दें। ध्यान इधर दे। राजा हम शादी के बाद कहाँ रहेंगे, इंडिया में या कहीं और? टाइम कम है। कहाँ है तुम्हारा घर? टाइम कम है, सुन रहा है तू? अच्छा भाई साहब हमारे साथ ही रहेंगे ना? टारगेट मिले से, टारगेट मिले वरना निकल जाएगा। जानते हो राजा, शादी के बाद जिस घर में हम रहेंगे उस घर के बारे में मैंने क्या क्या सोच रखा है। दीवारों के रंग, कालीन के रंग, पर्दों के रंग, सब कुछ सोच डाला है। सच बताऊं तो यूसी राजा, क्या कर रहा है तू? ख्वाबों में तो मैं उस घर में रहने भी लगी हूँ। क्या कर रहा है तू? वो निकल जाएगा। क्लियर टारगेट, क्लियर शॉट, है गोली चला। दुनिया में कहीं भी बस चार दीवारें और एक छत दे देना, उसके अंदर मैं तुम्हारे। जीत गोली चला, जीत, जीत गोली चला, बताओ क्या क्या तू चला। जीत, शूट हिम, शूट हिम, जीत, कौन शूट हिम, गोली चला, जीत, जीत। शॉट ब्रदर, क्या बात है, वाह जबरदस्त शॉट। आज के बाद बस। क्या बस, दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ हाँ दिमाग खराब हो गया मेरा, ये खून खराबा करते करते दिमाग खराब हो गया मेरा। आज के बाद मैं तेरा कोई काम नहीं करूंगा, समझा? क्या कर लेगा तू, मिनी को बताएगा? हाँ ये ले, ये ले,
अपनी हकीकत छुपाने के लिए मैं किसी की जान नहीं ले सकता। याद आया? कुछ याद आया? ऐसे कानून का फंदा पड़ा था तेरे गले में, मैंने बचाया तेरे को, देश के दुश्मनों को जड़ से उखाड़ने के लिए। कोई खेल नहीं चल रहा है? तू सदा इसमें पड़ गया और बोलता कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं? हाँ, मैं इश्क में पड़ गया हूं। ए, साले, क्या भूल गया? मर चुका है तू, हम लोग ने जिंदा रखा है। असली में मार दिया ना तो दर बदर घूमेगी तेरी मिनी सफेद साड़ी पहनकर। सुधर जा अभी भी। मार डाल मुझे सूर्या, मार डाल मुझे। किसी की मौत बनकर मुझसे जिया नहीं जाता। इन हाथों से जब मैं कत्ल करता हूं ना तो उसके बाद मिनी से हाथ मिलाने की हिम्मत नहीं होती मुझसे। मार डाल मुझे। ये जगत जोगिया है, इसने हमारे मुल्क के हर कोने में आतंक फैलाया है। बच्चे, बूढ़े, औरतें, कोई नहीं बचा इससे। इसे मानना कोई पाप है। यह तेरा आखिरी ऑपरेशन होगा। इसके बाद मैं वादा करता हूं कि मैं तुझे आजाद कर दूंगा, बिल्कुल आजाद कर दूंगा। सूर्या, आई से कॉल ऑफ द मिशन इमीडिएटली। लेकिन सर, जगत जोगिया के भाई के कत्ल के बाद इंटरपोल को शक हो गया है। इधर मिनिस्टर साहब को हिंट्स मिल चुके हैं, हम पर शक किया जा रहा है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? जगत जोगिया का पता चल चुका है सर, सारी तैयारियां हो चुकी है, जीत उसे मारने निकल चुका है सर। सूर्या, मैं तुम्हें सिर्फ कल तक का वक्त देता हूं। मिशन पूरा हो या ना हो, जगत जोगिया जिंदा रहे या मरे, तुम कल वापस आ रहे हो। कल नहीं सर, मैं आज रात ही को वापस आ रहा हूं। चंद घंटों के बाद जोगिया का अंत हो जाएगा। यू डोंट वरी। ओके सकीना, जोगिया के मरते ही तुम जीत को मेरे पास ले आओ ताकि तुम उसे मार सको। ऑफ कोर्स, जीत को मारकर ही हमारा मिशन खत्म होता है। सूर्या, हमारा मिशन जगत जोगिया का खात्मा था। अगर जीत उसे मार डालने में कामयाब हो जाता है तो उसे खामखा मौत क्यों देते हो? You like him? ठीक है, आजाद कर दूंगा, बिल्कुल आजाद कर दूंगा। फाइनल मुक्ति। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सब ठीक है ना? यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता सर। बस परिंदे ही मार सकते हो तुम लोग। चिड़ी मारो सबके सब, वरना तीन आदमियों को कमरे में घुसकर कोई बम से कैसे मार सकता था? दिन दहाड़े क्लब के सामने मेरे भाई को गोली से मार दिया। मैं जानता हूं ये सब साले इंडिया वाले करवा रहे हैं। ये इंडिया वाले समझते नहीं है किससे पंगा ले रहे हैं। अब जगत जोगिया पर हाथ डालने का हश इंडिया वाले देखेंगे। अगले महीने का प्लान डबल कर दो। इतना धुआं उठना चाहिए कि दो महीने तक इंडिया का आकाश दिखाई न दे। बाकी की मीटिंग एक घंटे के बाद।
सर सर नीचे से डेविड बात कर रहा हूँ। कोई आदमी आपसे मिलना चाहता है। कौन है वो? कोई सर फिरा। कह दे कि मैं ऊपर आ रहा हूँ। सर सर वो ऊपर आ रहा है। मत करना मिनी को लेकर। भाग जाओ जीत, भाग जाओ। तुम अच्छे इंसान हो जीत, भाग जाओ, भाग, भाग जाओ जीत। सूर्य तुम्हें मार डालेगा मिनी को लेकर। भाग जाओ सूर्य तुम्हें मार डालेगा। भाग जाओ जीत मिनी को लेकर। भाग जाओ सूर्य तुम्हें मार डालेगा। मार डालेगा मिनी को लेकर। भाग जाओ डालेगा मेरी कोई।
हेलो मिनी। राजा कहाँ हो तुम? तुम मेरे घर आओ मिनी, फौरन। क्या हुआ? तुम आओ तो सही मिनी, आओ सब बताता हूँ। क्या हुआ? इतनी चोटें कैसे लगी? बड़ा गंदा खून है मिनी, इसे छूकर अपने हाथ गंदे मत करो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो राजा? मिनी आज मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ जो लाख कोशिशों के बाद भी नहीं बता पाया। तुम्हीं ने तो कहा था ना मिनी कि लोग बाहर से कुछ और दिखते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। मैं भी अंदर से कुछ और हूं। वो राजा जो तुम्हें दिखता था ना, वो तुम्हारी मासूमियत की परछाई था, तुम्हारे प्यार का एक रूप था जिसने तुम्हें बहुत बहुत प्यार किया, और उस प्यार की वजह से मैं एक लम्हा जी लिया मिनी, और वो एक लम्हा 7 जन्मों के बराबर है। मैं राजा नहीं हूं, जीत हूं, एक मुजरिम, एक खूनी। मौत हमेशा मेरे पीछे लगी हुई है मिनी, और तुम्हारी जिंदगी को कभी भी खतरा हो सकता है। चली जाओ मिनी यहां से, बच से, मेरी जिंदगी से चली जाओ मिनी। मुझे प्यार करने की कोई इजाजत नहीं है, चली जाओ मिनी। चलो, तुम राजा ना सही, जीत सही, अच्छे आदमी ना सही, बुरे सही, लेकिन बुरे आदमी का भी तो दिल होता है ना। मुझे कबूल है बुरे आदमी का दिल आबाद करना, ये खून राजा का हो या जीत का, अगर इसमें मुझे अपने सिंदूर का रंग नजर आता है तो मैं क्या करूं?
tough boy. Come on, boy, come on. ये देख, नहीं हो पा रहा है मुझसे। अरे वो उंगलियां जिससे बारूद की महक आती थी, आज गोली चलाने से इनकार कर रही हैं, और वो भी तुझ पर, जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। देख, मार डाल मेरे को, नहीं मारा तो मैं तेरे को मार डालूंगा। मैंने समझा दे इसको, आज एक ही बचेगा, ये या तो मैं। चल चला गोली चला। अरे इस मिनी के प्यार ने तेरे इस कारतूस को खोखला कर दिया सूर्यवंशी। चलो मिनी। ए मजनू, क्या अच्छा है सच्चा है प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंस गया रे तू। तेरे को बोला था ना गोली मार दे, बोला था ना ब्रदर, अब तो गया। आप राजा को सचमुच मार देंगे भाई साहब? ये कैसे हो सकता है? राजा मेरा सुहाग है भाई साहब, और आपने मुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया है। एक हाथ से आशीर्वाद दूसरे हाथ से मौत, ये कैसे हो सकता है भाई साहब? हे मिनी, बड़ी भोली है रे तू। मेरा जुनून है सिर्फ मेरा मुल्क, मेरा हिंदुस्तान। ए, हिंदुस्तान की बात करता है तू? अरे हिंदुस्तान का मतलब भी समझता है तू? हिंदुस्तान का मतलब है डाकू को वाल्मीकि बनाना, हिंदुस्तान का मतलब है क्षमा दया। अरे क्या मांगा था मैंने तुझसे कि और मुझसे खून मत करवा, बस यही ना? अरे जीने का शौक है मुझे, पर तुझसे भीख मांगकर नहीं जी सकता मैं। जा, आज मैं मेरी जिंदगी तुझे तोहफे में देता हूं सूर्यवंशी। चला गोली चला। बहुत समझ में आ रहा है तेरे, हाँ बहुत ज्यादा ही समझ में आ रहा है। हाँ आपकी शायद बहुत बड़ी मजबूरी होगी भाई साहब, जो हम छोटों की समझ में नहीं आ रही, पर उसके लिए हम बलि चढ़ने के लिए तैयार हैं। मगर एक जिद मैं आपके साथ जरूर करूंगी, और आपको माननी पड़ेगी कि सबसे पहले गोली आप मुझ पर चलाए, क्योंकि जीते जी मैं ही नहीं देख सकती कि जिसने मुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया है वही मेरी आंखों के सामने मेरा सुहाग उजाड़ दे। प्लीज आप मुझ पर गोली चलाइए पहले, प्लीज। हेलो, क्या किया जीत का? मेरे कब्जे में सर। खत्म क्यों नहीं किया उसे अभी तक? वही करने जा रहा हूं सर। Do it now. सर। Now. सर। Now. कारतूस फिनिश सर। मिशन ओवर। ओवर एंड आउट सर। पहली बार जब मैंने तुझे गोली मारा था ना, तो ऑपरेशन के वक्त ये चिप मैंने तेरे पैर में गाड़ दिया था। जब तक ये चिप तेरे जिस्म में मौजूद है, तुझे आजादी नहीं मिल सकती। अब तुम्हारा राजा आजाद, सदा सुहागन रहो। दोस्तों का दर मना, दोस्तों के दर मना, दोस्तों के दर मना, दोस्तों के दर मना। वजह दोस्ती है तू,
जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है।